अगर कोई फरियादी या कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे पास या मेरे घर में आएगा या मैं नहीं हूँ मेरी एब्सेंस में डॉक्टर साहब राम प्रताप जी के पास, उनकी एब्सेंस में और मेरे एब्सेंस में हरीश छोटा भाई मेरा यहाँ रहता है उसके पास आएगा और वास्तव में पीड़ित है, तो उसकी मदद करना हम लोगों का फर्ज भी है और हम लोगों का कर्तव्य भी है। और ये जो प्रकरण चल रहा है ये केवल मात्र राजनीति से प्रेरित है। झूठ के पांव नहीं होते, सच सामने आएगा और शानदार तरीके से आएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। पूर्व में भी इन लोगों ने जो इस पर्दे के पीछे जो लोग हैं इस सारे घटनाक्रम में, उन लोगों ने अनेकों मुकदमे मेरे पूरे परिवार पे मेरे पे करवाए। और पूर्व में भी मैं हमेशा यही कहता था कि न्यायपालिका पे और पुलिस पे पूर्ण भरोसा है और आज भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन मुकदमों में मेरा पूरा परिवार पहले भी साफ निकला है, इस जो ये झूठा मुकदमा बेबुनियाद मुकदमा है इस पे, इस मुकदमे से मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई हरीश निश्चित तौर से निकलेगा, न्याय मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। ना ही तो हम लोगों ने इस तरह की राजनीति पहले कभी की, ना ही आगे करेंगे। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का, ये लोग जो दुष्प्रचार और दुष्प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये इसमें फेल होंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं मेरे कार्यकर्ता साथियों से, मेरे बुजुर्गों से और हनुमानगढ़ की पूरी जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग डॉक्टर राम प्रताप जी को, उनके परिवार को भली भांति जानते हैं और जो सामने वाले हैं आप उनको भी जानते हैं।